पास रहते हैं उनके लिए परमेश्वर भला है അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ലവൻ वैसे तो हम परमेश्वर का बाट जोत रहते हैं तो ये पक्का है परमेश्वर हमारे लिए भला है पिछले 5-6 साल से आप लोगों के बीच में आकर नाम कड़ पोया COVID-19 എന്ന വലിയ മഹാമാരിയുടെ മധ്യേ ആമേ 2020 എനിക്ക് ഇവിടെ വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിച്ചലേ സാത് സാസെ मेरे को आपके बीच में 10-12 दिन तक रहने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पिछले दिन में मौका दिया बल्कि इस पिछले बार कोविड के वजह से पिछले बार मेरे मुझसे आने के लिए नहीं हुआ आपके बीच में मैं आया उस समय एक संडे आराधना आपके बीच में हम मिलकर परमेश्वर के आराधना किए थे उस विषय के बारे में मेरे को अभी भी याद है उसके बाद मेरे कलीसिया में जो केरला में मेरे कलीसिया में एक दिन छुट्टी हुआ है संडे में वो इस संडे है मैं मेरे कलीसिया में नहीं है आराधन दूर मैं कई जगह में प्रभु का सेवा के लिए प्रभु ने लेकर जाते हैं फिर भी मैं संडे उधर नहीं रहता हूँ अपना कलीसिया में आता हूँ अपना कलीसिया में मैं कभी भी छुपी नहीं करता हूँ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സന്ധയിൽ നമ്മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭയോട് കൂടി ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിപ്പാൻ ഇടയായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ബേശക് മേരെ കലിസിയാ മേം ഈ സൺഡേ മേ ചുട്ടി കിയാ ഹേ തോ ഭീ പഞ്ചാബ് മേ ആപ് ലോഗ് കേ സാത്ത് ഈ സൺഡേ മേ ആരാധന കർനെ മേ മേ ബഹുത് ഖുശ് ഹൂം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയാ 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 ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ പാസ്റ്റർ കുടുംബം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മേ ബഹുത് പ്യാർ കർത്താ ഹൂം പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ കോ ആർ ഉൻക പരിവാർ കോ വൈസേ ആപ്ക കലിസിയോ കോ ഭീ മേ ബഹുത് പ്യാർ കർത്താ ഹൂം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസനാണ് മേ प्यार करता हूँ आदर करता हूँ मैं सम्मान करता हूँ ऐसे एक परमेश्वर दास है इधर का परमेश्वर दास कई नाल के लिए लोक मुझे फीडी के मुल मुझे ये कोड़ी करने को तुम बोल हमारे ये सभी देवदास ने उड़ीबा अंगने विश्वास से उड़ीबा अंगने उल कई कोच्चे कई कुंजे मुदल आमे वर्तराय माता मिदा कले भरे पिछले महाव्याधि के बीच में भी हमारा कलिसिया का बचपन से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कलिसिया का हर एक लोगों को आपका पास्टर को परिवार को कलिसिया का हर एक लोगों को परमेश्वर ने संभाला इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ नम्मे काल शक्ति उल्लवर नम्मे काल बलवान मार अनेक पट्टो को यही मंडल अप्पा पिदावे एन्नु विलिक्कुवानुल्ल പുത്രത്വത്തിന്റെ അവകാശത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല പ്രാഗൽഭ്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൈ ലോക ഈ ദുനിയ ഛോഡ്കർ ചലാ ഗയാ ദുഃഖ മേ പരിശാനി മേ ഹോ ഗയാ ഫിർ ബി അപ്പാ പിതാ കഹലാ കർ പരമേശ്വർ കേ ഹജൂരി മേ ആകർ ഉസ്കോ ആരാധന കർനേ കേ ലിയേ സർവശക്തിമാൻ പരമേശ്വർ നേ ഹംകോ മോകാ ദിയാ ഇസ്ലിയേ മേ പ്രഭു കോ ധന്യവാദ് ദേതാ ഹൂം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചില ത്യാഗിശ വീടുകളിൽ व्यक्तिपर
मैं इधर आने के पहले हमारे कलीसिया का कई घरों में विजिट करने के लिए शुक्रवार कई लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया जो पर्दा में है जो छिपा हुआ है वो यहोवा का है छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग तक सभी से परमेश्वर ने अलग अलग बात किया हमें दैवत्तिन्टे आत्माव इन्न पगल्कालम वचनत्तिलूडियुम दैव शब्दमायिट्टुम नम्मोड इडपेडुवान नमुक्क दैवत्तोड प्रार्थिक्कां इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना का साथ बैठे परमेश्वर के वचन के जरिए और भविष्यवाणी के जरिए पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए आराधना तीर्ण समय अभी हमारा केरला का कलिसिया में हमारा कलिसिया का संगत खत्म हो गया संडे स्कूल 9 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ സഭായോ 8 ബജെ സേ 9 ബജെ തക്ക സൺഡേ സ്കൂൾ ഹേ 9 ബജെ സേ 12 ബജെ തക്ക് ഹമാര സംഗത് ഹേ പ്രൈസ് ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ഇന്നലെ ഇവിടത്തെ ആരാധന സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതക്ക ആരാധന ക സമയമേയും തുടസ ഫർക്ക് ഹേ ഈ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന സമയമാണ് जो समय है इस समय के अंदर भी परमेश्वर की आत्मा हमारे जीव में कार्य करता है 84 का उसका 10 में हम ये ऐसे पढ़ते हैं यहोवा के हजूर में एक दिन रहना बाकी हजार दिनों से उत्तम है क्योंकि हाँ कहीं है हजार क्योंकि तेरे अंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिनों से उत्तम है तो वेद सन्निधि कहीं के ना होने दिवसम तेरे आई ने तो सत्य कल उत्तम परमेश्वर के अंगनों में एक दिन और कहीं हजार दिनों से उत्तम है सऊदी अरब നേഴ്സായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി തിരുവല്ലയിൽ സൗദി അറേബ്യ में നേഴ്സ് के നൗക്കരി करने वाली एक बहन है അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി നോക്കുവാണ് ഇടയായി സൗദി അറേബ്യയിലും കാം കർ रही है ഹല്ലേലൂയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ മണി 100,000 രൂപ ശമ്പളം कई साल समय देता है
അതിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കണം. इसलिए हम परमेश्वर के हजूर में हम आनंदित होना है. കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. परमेश्वर के हजूर में आराधना के लिए अपना अनेक कामों को अलग छोड़कर परमेश्वर के हजूर में आए हुए सारे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं. ഞാൻ സഭയിൽ എല്ലാ ഏപ്രിൽ മാസവും 21 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കാറുണ്ട്. हमारा कलिसिया में केरला का कलिसिया में हर साल अप्रैल महीना में 21 दिन का भक्त का प्रार्थना होते हैं. अप्रैल मासम 2019 നമ്മുടെ ലക്കി അവിടെ വരുവാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. 2019 में उधर की 2019 में प्रार्थना में उपवास के प्रार्थना में उधर शामिल होने के लिए हमारा कलिसे से लक्की को लेकर जाने के लिए टिकट सब कुछ इंतजाम कर चुका था. എന്നാല് ആ 2019 ആരാധന നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. उधर कोरोना की वजह से उधर आराधना कैंसिल करना पड़ा. അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ലോക്ക്ഡൗണും നിയമവും കടന്നു വരുവാനായി. पांच लोगों से ज्यादा इकट्ठा होना सरकार ने मना किया था. अब नमक आराधना नाता बच्चा ने बोली तो हमारा आराधना करना मुश्किल हो गया. जंडाई थी दिवद कहिंजा या परिल मासम अंजा नीदी मुदल उपवास प्रार्थना नडक वाणडे आए. अप्रैल 5, 2020 में उपवास के प्रार्थना चालू किया था. उपवास प्रार्थना 13वां दिन आमे सुसुभूष कड़ी प्रार्थी आशीर्वाद तोड़ अड़को दैवात्माव वेलिपड़ती वरिन्न दिवसंगलिल आराधन नडक्कुवान तडस्संगल काणुन्नु एन्न वेलिपड़वान इडयायि. उपवास प्रार्थना का 13वें दिन में प्रार्थना के आखिरी कलमा बोलने के वक्त में पवित्र आत्मा ने मेरे मन में यह दिया आगे का प्रार्थना चलाना मुश्किल होगा. ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया. अप्रैल कई वर्ष 5वीं मुद्दे मीटिंग अब एला नियम पालीटर अधिक अगल वह കസേര ഇട്ടാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ട് പ്രത്യേക ടെന്റ് ഇതുപോലെ സ്റ്റേജ് ക്രമീകരിച്ചായിരുന്നു അവിടെ 21 days ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ നടക്കുന്നത്. हमारे उधर कोरोना की वजह से सरकार ने जो कुछ कानून के पालन करने के लिए बोला गया है एक मीटर के दूरी में कुर्सी डालकर ऐसे हमारा ग्राउंड पूरा हमने एक मीटर दूरी में लोगों को बिठाकर 21 दिन का बोवस के लिए सारे बंदोबस्त किया है. ऐसे हम सारे अरेंज करने के बाद ऐसे मीटिंग होते हैं. 13वां दिवस आशीर्वाद पाने जनम पिरिंजे होगंदे ने मुंबई ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധന നടക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുവാനിടയാണ്. समाप्त हो गया मैं आखिरी कर्म बोलने लगा उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बात बोला आगे का समय आगे इधर प्रार्थना नहीं होगा प्रार्थना बंद हो जाएगा करके पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया. अब चर्चे क्रमीकरण सहोद या प्रार्थी प्रार्थना करने के लिए मैं जा रहा था उस समय हमारे जो सेवादार हैं सेवादारों को मैं बुलाकर ऐसे बोला जितने कुर्सियां साइड में हैं वो सारे इकट्ठा करके साइड में कर दो ऐसे बोलकर मैं स्टेज में चला गया. स्टेज विट हमें ज्ञान ताड़े की रंगी उसके बाद मैं स्टेज से फिर नीचे उतरा. या पर जो आराधन तीर्थ कहीं जो कड़ंद पोगे न पर कल्ला पोगा बस लेकर पोगे न पर उन्ना ये नो आधे मुन्ना निंगल के बस കിട്ടാതെ വരുമാതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകേണ്ടവർക്കെല്ലാം പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. मैंने ये अनाउंसमेंट किया है
इधर का प्रार्थना समाप्त हुआ है, इसलिए जो लोग जाने के लिए चाहते हैं उन लोग जा सकता है, जो लोग बस में जाना है बस का सारे अरेंजमेंट अभी टाइम है, इसलिए जो बस में जाना है वो लोग भी बस में जा सकते हैं। अब आलय तिन्ने जुट्टा वट्टते पार्क्कुन्नवरुम ट्रूवीलरिल वन्नवरुम कारिल वन्नवरुम ओके ग्राउंडिलेक्क वन्न अणिनिरन्नु। और जो लोग कलिसिया के आसपास से आए हैं थोड़ा सा दूरी से मोटरसाइकिल में जो कार में आए हैं वो लोग सारे ग्राउंड में एकदम आ गया। आने वाले दिनों में जो मुश्किल है हमारे सामने आएगा उसके लिए हम मिलकर प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ने जबरदस्त मेरे ऊपर आकर ये बोला बस आज ही इस प्रार्थना को समाप्त करवाना, क्योंकि नहीं तो आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। राज्य सरकार में केंद्र सरकार में जॉब करते हैं ऐसे लोग भी हमारे कलिसिया का मेंबर है। ചിലര് ഒരാഴ്ചയോളം ലീവ് എടുത്ത് പകലും രാത്രിയിലും ആരാധന കൂടാതെ ഉപവസിച്ചിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്। कई लोग अपना जॉब से छुट्टी लेकर एक हफ्ता परमेश्वर के हजूर में उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए दिन रात परमेश्वर के हजूर में रहने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर भी आए थे। पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बोला बस आज इस प्रार्थना सभा को समाप्त करके प्रार्थना करके समाप्त करे। देते हैं।
परमेश्वर के लोग इधर लंगर खाने करके मेरा मन बहुत आनंदित होता है अदर मुंब पा आत्मीय भोजन उसके पहले हम अभी आत्मिक भोजन खाने के लिए जा रहे हैं अब ये 21 ദിവസം ഉപവസിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ആരാധനയുടെ ഒടുവിൽ ഞായറാഴ്ച സഭകളുണ്ട് അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് സാധാരണ ആരാധന നടക്കുന്നത് अब हम तो अपने चर्चे है फिर भी ये जो 21 दिन का जो फास्टिंग प्रेयर है वो पास्टर जी का ही बहुत जमीन है ग्राउंड है उस जमीन में ही हम जो 21 दिन का प्रार्थना का सारे अरेंजमेंट करते हैं कारण हम चर्चे नगत വെച്ച് അത്രയും പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല 2018 ൽ 850 പേര് ആമേൻ ഉച്ചയ്ക്ക് യോഗത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ और सारे लोगों को हमारे कलीसिया के अंदर बिठाना मुश्किल है क्योंकि 2018 में 850 से भी लोग थे दोपहर का सिर्फ खाना खाने के लिए लक्षणगळ मुळकियुळ्ळ वेदियां ये वेदी ये मी ये जो हमारे उपवास के प्रार्थना लाखों लाखों रुपया खर्चा करकर सारे अरेंजमेंट करते हैं प्रेस लॉर्ड हालेलुया अरियपड़न दैवासमारे नेरते कूटी ആമേ അവരുടെ ഡേറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടീസ് ഒക്കെ അടിച്ച് देखे पहले ही बुकिंग करते हैं और उनके लिए एक या दो दिन देते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं ये ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാം ഈ ജോ മീറ്റിംഗ് കെ ബീച്ച് മേ പരമേശ്വർ ബഡാ കാം ഹോനെ കെ ലിയെ കടന്നു വരുന്ന ദൈവസമാര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ സുസൂക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ സഭകൾ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ജോ ലോ മീറ്റിംഗ് കെ ആതെ ഹൈ ഓ ലോ ആശിഷ് പാനാ ഹൈ ജോ പ്രചാരക് ഹൈ ഉൻകോ പ്രഭു ഇസ്തമാൽ കർനാ ഹൈ ഓർ ഇലാക വാസി ഇലാകെ ഓ സാരെ ആശിഷ് പാനെ കെ ലിയെ ഹം പ്രാർത്ഥന കർതെ ഹൈ ചില ദൈവസഭകൾ പറയാറുണ്ട് പാസ്റ്ററേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ 2-3 ദിവസം വന്നിരുന്നു ഉപവസിച്ചോട്ട് കൈ പരമേശ്വര ദാസ് ഹമനെ ജോ ഗസ്റ്റ് കെ രൂപ മേ ബുലാതെ ഹൈ ഓ പരമേശ്വര ദാസ് दस लोग स्पेशल ये बोलते हैं मास्टर जी हम दो तीन चार दिन आपके कलीसिया में बैठकर हम उपवास करने के लिए चाहते हैं क्या आप हमको अनुमति देंगे अंगने वंद मुटमड़ीട്ടുള്ളവരും ऐसे कई परमेश्वर का दास हमारे चर्च में आकर उपवास किया है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अब ये दैव अंगने अनुग्रहമായി നടത്തുവാനിടയായി परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के और हमें चला रहा है പിന്നീട് പറയോ അന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ എന്ത് പറ്റി യോഗം പിരിച്ചു ഇവിടെ ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യോഗം उस दिन लोगों ने ऐसा बोला था ये क्या हो गया पास्टर जी को मीटिंग बढ़िया तरीके से चल रहा था एकदम उसने बस बाकी मीटिंग का दिन का कैंसिल किया समाप्त किया ये क्या हो गया पास्टर जी संभोग अवर कन्नतेल कंडरंगे उसके बाद जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला उनके सामने ही जो कुछ समझते जो कुछ सरकार की बात आ गया उन्होंने मान लिया आ पास्टर जी ने जो किया आत्मा की प्रेरणा से किया आलगुड़िया सभागले वन 30000 32000 രൂപ 20000 രൂപ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആമേൻ അവർ പെനാൽറ്റി അടിക്കുകയും ചർച്ച പൂട്ടുകയും ചെയ്തു और जो कानून बहुत जो उधर लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन के वजह से बहुत सताए था कई ऐसे ऐसे कलीसिया था 30000 22000 25000 रुपया तक जुर्माना सरकार को देना पड़ा और चर्च को ताला भी लगा दिया ഉറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ദൈവാത്മാവ് തന്നെ സഭയെ പാസ്റ്ററെ നടത്തുന്നത് ആ ജോ ലോ മേരെ ഖിലാഫ് ബോലാ താ മേരെ ഖിലാഫ് കുടുകുടായാ താ ഓ ലോഗ് ഖുദ് ദിൽ സേ യേ മാനാ സച്ച മേ പവിത്ര ആത്മാ ഹീ പരമേശ്വർ കാ ദാസ് കോ ചലാ രഹാ ഹൈ 22-ാം സങ്കീർത്തന 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ പോകേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചത് और 32 जबर उसका 8 में ऐसा लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा निंदे में दृष्टि मच्छ आलोचना मान ले मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा इवडे इरिकना एल्ला वरोड जितने लोग बैठे हैं उनके
ऊपर कृपा दृष्टि रखकर आपके लिए बात करने के लिए परमेश्वर कर सकता है। और पिताओ माताओ तंद मक्कलोड പറയുന്നത് പോലെ മകളെ മോനെ അതിലെ പോകരുത് അവിടെ കുഴി ഉണ്ട് നീ ഒഴിഞ്ഞു പോ എന്ന് പറയുന്നു। जैसे एक मां या बाप अपने बच्चों से ये सलाह देते हैं बेटा ऐसे नहीं जाना उधर गड्ढा है उधर जाना अच्छा नहीं है ऐसे बच्चे लोगों ने जैसे सलाह देते हैं वैसे परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखकर हमें आगे चलाता है। നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലൊരു പപ്പയാണ് हमारा परमेश्वर अच्छा है तो बाप है നമ്മുടെ കർത്താവ് നല്ലൊരു അമ്മയാണ് हमारा परमेश्वर अच्छा है तो मां है अपने പോലെ കരുതുകയും ജൈമയെ പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും जैसे बाप जैसे സംഭാലता है और मां जैसे പ്രാപ്യം करता है। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ കരുതലുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും। जितने लोग इधर बैठे हैं आप सभी के लिए परमेश्वर ने मुहैया करके रखा हुआ है ओ हमें आगे चलाने वाला परमेश्वर है। ആരെങ്കിലും നമ്മെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മെ തെളിവറിയുമ്പോൾ നമുക്കെതിരായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ പോലെ കർത്താവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും। हमारे खिलाफ कोई बोलने के वक्त में खिलाफ को कुड़ाने के वक्त में गाली निकालने के वक्त में मारने के लिए योजना बनाने के वक्त में भी हमारे दिल बहुत दुख हो जाता है टूट जाता है उस समय भी एक माँ या बाप जैसे हमारे पास आकर हमें संभालने वाला है हमारा परमेश्वर। ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മാതർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में एक बोर्ड को मैं ऐसा देखा था मदर केयर हॉस्पिटल। अब और अम्मा ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആശ്വാസം അവിടെ കിട്ടുന്നു। जैसे मां संभालती है वैसे उधर संभाल लेंगे। भैया बोले बोलो और अम्मा के मात्र में ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ। उधर केवल बॉडी होता है एक मां जैसे जो संभालना है वो मां से ही होता है। और मरीज को लेकर आते हैं थोड़ा समय के बाद या दिन के बाद उनका लाश को वापस लेकर जाते हैं नाम मदर केयर हॉस्पिटल। हमारे परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। किस तरह हमें संभालता है और अम्मा के मात्र आशीर्वाद जैसे एक माँ हमें संभालते हैं ऐसे संभालना। और कुछ ओडी കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീണ एक साथ एक बच्चा खेलने के वक्त में यदि वो गिर जाए तो आ कुഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറോട് അണച്ച് രണ്ട് തട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് പോട്ട് മക്കളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിന്റെ ഹാർട്ട് അതിന്റെ മനസ്സ് എല്ലാം ലെവലാവും। और बच्चा खेलने में गिर जाते हैं माँ एकदम भाग जाती है उसको उठाती है उठाकर छाती के साथ लेकर कोई बात नहीं ऐसा बोलने के वक्त में माँ के उस संभालने के वजह से बच्चा अपने सारे दर्द को भूल जाते हैं। संभालती है वैसे हमें परमेश्वर संभालता है। लोगों को परमेश्वर ने संभाला माँ जैसे बहुत प्रभु धन्यवाद करे। किया जाए
जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं नष्ट ना किए जाए अब क्रिस्तेश्विल नमकोल्लद क्रिस्तेश्विल उल्ला निष्कलंकता आप परमेश्वर के साथ हमारा पवित्रताई पिन्ने क्रिस्तेश्विल उल्ला नर्मल और परमेश्वर के साथ का हमारा सीधाई अब क्रिस्तेश्विल उल्ला निर्दोषम और इंबोल आदो भयंकर हजम और जब जो सीधाई है वो बहुत गहरे की बात है యేసు ఎంతంగిలు కుట్టం చేయించాడో యేసునే ముల్కిరీడం నల్గియదు క్యా ప్రభు యేసు మసీహ్ కొంచెం గెలతి కియా ఇస్లియే ఉస్కో కాండోని ముక్కుట మిల యేసునే మరకురిస కొడతదు క్యా ప్రభు యేసు మసీహ్ కొంచెం గెలతి కియా ఉస్కో క్రూస్ మెయిన్ లిటాయా అవనే కాలగల తా రెండం చేర తీరంపాడిల అడిచరంగియదు ఉంగే దోనో పేరో తో దోనో పేరో తో ఇకటా రేకరు కీల్ సే టోకా దియా కైగల్ రెండం మరకురిసిలేకి నీటి ఇరంపాడిల అడిచరంగియదు ప్రవేశ వసిక హాత్ తో కీచికల్ ఓ లక్కడి కే క్రూస్ కే సాత్ రేకరు కీల్ సే టోకా హై తలకి ముల్కిరీడ కొడతల సిర్మేయు కాండో కి ముక్కుడు దగాయా ఇదంతంగిల కుట్ట చేయించాడో యేసువినే శిక్షించదు క్యా మే ఆప్సే ఏ బాత్ పూచనే కేలే చాతా హూ క్యా యది కోయి గెలతి కియా ఈ గునా హై ప్రభు యేసు మసీహ్ ఏ సజా పానే కే లియే యేసు క్రూస్ కిడన ఏడు మొడిగలు వలయువాడే ప్రభు యేసు మసీహ్ నే క్రూస్ మే సాత్ బాతే బోలా కర్తవే ఇవర్ చేయినదు ఎంతన అరియాయియా ఇవరోడు క్షమికణమే హే ప్రభు हे पिता इन्होंने जो कर रहा है ये नहीं जानते हैं उनके ऊपर क्षमा कर प्रेस करो हालेलुया 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 त्यागिकिन्नो എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കൈപ്പുകാടി കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു യേശുവിനെ बोला मैं प्यासा हूं और उसको प्रभु उसको पीने के दिया हालेलुया हालेलुया അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത കർത്താവിനെ ലോകം കൊടുത്തത് മരക്കുരിശ് ഇരപ്പാടികളും ചാട്ടവാറടികളും ബിലാപുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയ ശിക്ഷകളുമായി പ്രഭു യേശു മസീഹനെ दुनिया के लिए भलाई किया और लोगों ने उसको क्रूस दिया और घोड़ा से मरवा दिया और कांटों की मुकुट दिया दर्द दिया और कष्ट दिया मैं हम ये पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इतना कष्ट क्यों सहा എന്നിലും നിങ്ങളെയും നിർദോഷരാക്കി മാറ്റുവാൻ मैं और आपको परमेश्वर के सन्मुख में सीधा होने के लिए अबे नम्बे नम्बलराकी मातू हमें पवित्रता के और चलाने के लिए प्रेस लो हालेलुया अब नम्बे क्रिस्ते इसमें कोड़ी कर्ताव क्रूस मरणतोड़ा ये पिचर नम्बे जीवित तेल बंदना दान है क्रिस्ते इसमें कोड़ी वाला नर्दोष प्रभु यीशु मसीह क्रूस मरकर हमारे लिए प्रदान किया है परमेश्वर वो उस बात है हम पवित्रताई के साथ चलना अदुंड देवमक्कल ओरु कूडि क्षमिक्क इसलिए परमेश्वर के लोग बहुत क्षमा करते हैं ओरु कूडि सहिक्क बहुत सहन करते हैं एंदो यार कुणप क्या कुछ बोले उन्होंने बोले कोई बात कर्ताव अनुभविच्च वेदन नोक्कुम्बो एंद वेदन ओक्कुम अल्ल प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहा उसके सामने जो मैं दुख सह रहा हूं कुछ भी नहीं कर्ता वेदन सहिച്ചിട്ട് നമ്മെ നിർദോഷരാക്കിയതയ മാറ്റിയ और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप अदर दर्द सहकर हमें पवित्रता की नम्मे നിർമ്മലരാക്കി കർത്താവ് മാറ്റിയ हमें പവിത്രതായിക്ക് ഓർ ചലനാ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ അപ്പോൾ കൊരിന്ത്യ സഭയെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കൊരിന്ത്യ കലീസിയ കേ ലിയേ റസൂൽ പൗലോസ് നേ പത്ര ലിഖനേ കേ വക്ത് മേ ജോ കുച്ച്
लिखा है उसके बारे में मैं आप भी आप लोग पढ़कर सुनाया था। अपोस्तलाय पौलोस कोरिंथिय सभे कुरिच भयपड़नु। रसूल पौलोस कोरिंथिय कलीसिया के बारे में डरता है। आ कोरिंथिले विश्वासिगले कुरिच उस कोरिंथ के कलीसिया के विश्वासियों के बारे में अड़ परयनु क्रिस्तेशुविलुल्ला आ निष्कलंकतयुम। इधर ये लिखा है वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए वो क्रिस्तेशुविलुल्ला निष्कलंकतयुम ब्रह्मलयुम विट्टु और सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു। कहीं नष्ट हो जाएगा कर वो भय डर भय मानता है सोधता है। हालेलुया आमेन हालेलुया യേശുവിലുള്ള നിഷ്കളങ്കതയും നമ്മളതയും വിട്ടുപോയാൽ ദൈവജനം പറയുന്ന മദ്യപാനി ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കി। और तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, ऐसा सीधाई और पवित्रताई नहीं है तो वो सारे गलत काम करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है शराबी परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं होंगे। अबोल निर्मलता ही निष्कलंकता ही मत बोल जब मैंने मुंह मत दिखे और पवित्रता और सीधाई छोड़ा तो फिर हम ऐसे जिएंगे प्रभु में मत ही मीक बना हो तोड़ा और हम शराब बेचेंगे मत ही मुड़ गया तोड़ा हम शराब पिएंगे अपन शेष मनुष्य ने बोले तो हमारा और जो दुनिया के लोग हैं ऐसे हो जाएंगे हम अब रखो बैठे नारे का बोलेंगे उनके लिए नारे का तैयार हो जा रहा है। अपन निर्दोष दही नम्बर दही मुल्ला बरकत बैठे देखो सब तो बरकत और सीधाई और पवित्रता से जो चलता है मसीह में उनके लिए स्वर्ग तैयार हो रहा है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നിഷ്കളങ്കത നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം। इसलिए मेरा समय आप लोगों से एक बताने के लिए चाहता हूं आपके जीवन में सीधाई और पवित्रताई संभाल। ചില സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദേശം പറയാറില്ല। कई कलीसिया में ऐसे सीधा सीधा बोलते नहीं है। നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ കൂടെ നല്ലതുപോലെ കഥ തീർത്ത് ഉപദേശം പറയുന്ന ദൈവം आपके पास्टर ऐसा है जो बाइबल में वचन क्या लिखा है वो वैसे के वैसे ही पढ़ाते हैं सिखाते हैं। ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പഞ്ചാബിയിലാണ് പറയണതെങ്കിലും വചനം തീർത്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ട്। और मैं इधर बैठ कर प्रार्थना करने के वक्त में शायद वो पंजाबी और हिंदी में बोल रहा होगा फिर भी पवित्र आत्मा ने ये बोला वचन साइलेंट से शिक्षा देता है ये परमेश्वर दास आपको। എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും വിധേയനെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിത്യതയിലെത്താം। ये इसलिए है कुछ भी कष्ट होवे नष्ट होवे हम स्वर्ग में जाना। കൊരിന്ത്യ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോകുമോ ഇവർ മദ്യപിക്കുമോ ഇവർ പാപം ചെയ്യുമോ ഇവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെടുമോ എന്ന് പൗലോസ് ആമെ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളായോ ഇന്ന കുടുംബം തെറ്റിപ്പോകുമോ ഇന്നാര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ദൈവത്തിൽ അന്ന് അന്യപ്പെടുമോ എന്ന് പാസ്റ്റർ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുക। पौलोस ने कोरिंथी कलीसिया में डरता है ये लोग सिधाई और पवित्रताई छोड़कर और नरक में जाए तो वैसे आपका पास्टर भी ये डरता है आप लोग गलत करके पाप करके आप परमेश्वर के पवित्रताई सिधाई छोड़कर दूर हो जाए तो इसलिए आपको शिक्षा देता है। हम कर्ता क्रूस मनतोड़ बेलपिच आ वेदनागल सहित आ वेदनेल कूड़ी नमक सम्मानिचा पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जो दुख सह लिया दर्द सह लिया उसके जरिए हमको दिया हुआ उससे सीधाई और पवित्रताई കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി എംഎൽഎമാർക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാർക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി। मेरे को प्रभु के दया से कई केंद्र मंत्रियों के लिए एमएलए के लिए पंचायत जो सरपंचों के लिए और डॉक्टरों के लिए कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े औहदों में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रभु मुझको मौका देता है। अब वो डॉक्टर के वेंडी वो लिखल प्रार्थिक्कुम्बोल हमें ഞാൻ ചോദിച്ചു हमें ഒരു വ്യക്തിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ ബ്ലഡ് കാണണം ഡോക്ടറെ। और मैं एक बार एक डॉक्टर से बात कर रहा था उसके लिए प्रार्थना कर रहा था वो डॉक्टर से मैं ये
एक व्यक्ति के अंदर कितने लीटर खून होता है मरकुरिशिൽ മരിച്ചത് ചേർത്ത് छाती में उसने बाला से रोक लिया उस समय भी खून निकला गया होगा निकल कर जाने के बाद आखिरी खून और पानी दोनों निकल आते हैं अब ब्लड कंप्लीट होई കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിയർപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകം പുറത്തു വരും और जब खून पूरा निकल कर जाते हैं उसके बाद पसीने जैसे एक पानी जैसे प्लाज्मा जैसे वो बाहर निकल आते हैं अब നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് മുഴുവൻ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी बूंद खून कर हमारे लिए देकर हमें प्रभु ने खरीदा है हालेलुया 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 തന്റെ വിലാപുരം തുറന്നാണ് പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയത് प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर का आखिरी बूंद खून तक देकर नया नेम का कलीसिया का शुरुआत किया അങ്ങനെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ച കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയം ആമേ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള നിർമ്മലത വിട്ട് ആമേ നിർദോഷനായി തീർന്ന് അവരുടെ ഹൃദയം ഭക്ഷണമായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून से खरीदा हुआ कलीसिया को कुरिन्थियों में जो लोग हैं कलीसिया के लोग सीधाई और धार और पवित्रता छोड़कर पाप में या सांसारिक अभिलाषा में फंस जाएंगे कहकर रसूल पौलुस ने डर रहा है हालेलुया हालेलुया इबडे लूकोस विषयத்தில் ദൈവദാസൻ 19 അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു इधर जब प्रभु दास आप लोगों से एक वचन बोलने को मतलब लूका का सुसमाचार 19 अध्याय के अध्याय में आयत पढ़कर आप लोगों को सुना रहे थे आराधना आरंभ आराधना का शुरुआत में अवड़े देवदास പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തെ അമാർത്ത് ഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം उधर स्तुति और आराधना को उन्होंने रोक दिया അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർത്തില്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ ആർക്കും यदि आप ना चिल्लाए तो ये पत्थर चिल्लाएगा വെച്ചലു ഹല്ലേലൂയ നമ്മ കർത്താവ് തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം പോലെ ചിന്തി നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ വലത്തിൽ
के लिए आपका अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, ये आपके लिए लाभदायक है।
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറച്ച് ദൈവമക്കൾ ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ आप लोग प्रार्थना करने वाले झुंड है प्रार्थना में ही खड़े हैं स्थिर है आराधना में हम खड़े हैं बहुत कुछ निस्ता उसके पास है बहुत कुछ उसके पास है तो भी वो ये बोल रहा है आमेर रोमन आमेर गवर्नमेंटिल और पौरत्वम उल्ल पौलुस रोमन देश में अपना नागरिकता होता है पौलुस को गमालियेले खाकीडीलिरुन्न न्यायप्रमाणम मुझुवन पढ़िच्च पौलुस गमालियेल के चर्मम बैठकर व्यवस्था को सही ढंग से शिक्षा लिया हुआ रसूल पौलुस वेद पुस्तकते लेखनंगल मुझुवन एळुतिय पौलुस और परमेश्वर के वचन बाइबल में कई पत्रियों सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले रसूल पौलुस वो अपना बोलने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद भी फिर भी हमने दूसरा प्रति चार का साथ में हमने ये पढ़ा था परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में लिखा है कि वो असीम सामर्थ्य वो ये कबूल कर रहा है ये धन मिट्टी के बर्तनों में है ये मिट्टी के बर्तनों में जो लिखा गया है अपना नहीं है परमेश्वर की ओर से है इसलिए हम ये कहने के लिए जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से ही है वो परमेश्वर की ओर से मेरे को मिला है यदि आपके पास कार है तो आप ये बोलना है ये गाड़ी या कार परमेश्वर की ओर से मेरे को मिला है साइकिल टू व्हीलर इन साइकिल है टू व्हीलर है जो कुछ है परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है मेरे को एक परमेश्वर के दास को मिला परमेश्वर के ओर से मेरे को मिला है कलीसिया मेरे को मिला है परमेश्वर के ओर से मेरे को मिला है मिट्टी के बर्तन में दिया हुआ है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है परमेश्वर वचन में ये भी लिखा है ये बड़े बड़े इमारतों को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है ये सामर्थ्य ये असीम सामर्थ्य को हम परमेश्वर के सन्मुख में बांट कर हम पाना है शक्ति उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए आज जो आप देख रहे हैं वो थोड़े समय के लिए जो कुछ थोड़ा समय के लिए आपके पास जो कुछ है उसको देखकर आप घमंड नहीं करना ये मेरा है वो मेरा है हमको ये भी पक्का पता नहीं है आज तो हम है आगे कितने दिन का हमारा समय है हमको खुद पता ही नहीं मलयालम
मलयालम सीखकर मुझसे पास्टर जी कैसे हैं ऐसे मलयालम भाषा में वो मुझसे मुझसे बातचीत किया आप लोगों ने उतना कोशिश किया नहीं है जितना गुरुजी ने मुझसे बात करने के लिए मलयालम सीखा पंजाबी पढ़े सूरज ने समझाया नहीं मैं भी इतना मेहनत नहीं की है पंजाबी सीखकर उससे बात करने के लिए उसने मलयालम सीखकर मलयालम में मुझसे आप कैसे हो बोला पर ये कलीसिया के लिए आप हमारे लिए एक आशीष के कारण था जब उसके घर में संगत रखे थे उस समय पवित्र आत्मा ने उस संगत के बीच में भविष्यवाणी हुआ है प्रोफेसी हुआ है इस देश में बहुत सारे लोग मर जाएंगे उस समय पवित्र आत्मा ने साहब कुछ प्रकट किया मैं ये विश्वास करता हूँ सूरज के जीवन में शैतान जय नहीं पाया अपने अत्रे आयु सुना है ना टुल्लू उसको इन उतने आयु थे बड़े बच्चे कोरोच्चू बुड़ी काल जीवित था शायद थोड़ा सा और जिए तो देव तिलन दूर बच्चे ये पता लो परमेश्वर से वो दूर हो जाए तो इनकी स्वर्ग तिलन तम बच्चों तो क्या स्वर्ग में पहुंचना तो या मुंबे उड़े बयान को लावने लूंगा इनका महत्तम भयंकर अवन और तले का पुड़िये का वल्ला तो बढ़ती और अभी जो हो गया वो उनके परिवार के लिए नष्ट है इस समय के नष्ट है नष्ट है नष्ट है सूर्य अस्तमिक्कुम्पोल മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിച്ചു ഓർ സൂര്യ ഇദർ ഉദയ കർനേക മക്തമയും ഓർ കിസി ജഗമേ അസ്തമന ഹോ രഹാ ഹൈ ഇവിടെ അപ്സന്നാകുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രസന്നാകണം ഇദർ ആക്സന്റ് ഹോനേക മക്തമയും അദ്രവ കർനേക മക്തമേ സ്വർഗ്ഗമേ ആ ഹോന അതിനെ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങും ഉസ്കേ ലിയേ ആ ഓർ മേ തയ്യാറി ഹോനാ ഹൈ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപര്യം മേ ബോൾനേ ക മദ്രവ യേ ഹൈ उस दिन बहुत आशीष के साथ मैं सामने आया था इन वन्ना पो कंडिल्या आज मैं उसको देखा नहीं बल्कि हम तो आगे भी हम मिलेंगे स्वर्ग में हम पहुंचना नित्य दिले कहता अनंत में हम पान जाना उन नजर दसलोनी के नाल मुदिये बना रहा की दिवाई के पहला दसलोनी उसका चार का चार में हम पढ़ते हैं कथा मदन गंभीर नादतोड़ परमेश्वर अपना महादूत के शब्द के तुरी ही फूकर प्रधान दूत ने शब्द तोड़ा दूत के शब्द के साथ काल दुनियोड़ तुरी ही फूकेंगे स्वर्ग तिल തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്റെ നിർമ്മല കാന്തേച്ചേൽക്കം വരും ഓ ഇതർ കിത്നാ ഭീ ആപ് മ്യൂസിക് ബജായേ തബീ ഉസ് മ്യൂസിക് സേ കപ്പടോ ഉസ് സമയ ജോ മസീ മേ മരേ ഹേ ഓ പ്രഭു കോ മിൽനേ കേ ലിയേ ഓ ബാദലോ മേ ഉഠാ ലിയാ ജായേഗാ ഫിർ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും जो हम इस दुनिया में है जो मसीह में है हम वीर बादल को होकर उसके पास चल जाएंगे तो हम आगे मिलेंगे भावी प्रत्याशी हमको एक आशा होना हमको मुंबट बगा आगे बढ़े हालेलुया हमको जो पवित्रता मिलता है स्कूल में जाने के वक्त में पढ़ने के लिए जाने के वक्त में नष्ट नहीं होना मटुड़ बूट कटे नष्ट पड़े और बुरी संगति में जाने के वक्त नष्ट नहीं होना थोड़ी देर के रंगी पोगा पर नष्ट पड़े आगे लिए जाने के वक्त में नष्ट नहीं होना हर एक जगह में आप
पवित्र होना आप पवित्रता को संभालना अगर इधर एक बार आने जाता हूँ कहीं ना ऐसे जो लोग पवित्रता में चलते हैं उन लोगों के लिए प्रवेश मसीह आता है जो इतना बाकी कुड़ी बाई के ना करते मैं एक और आयत बताकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ नेटो वरिंदेर नाले अध्याय में ने उड़े बिलते हैं बाकी दूसरा कुरिंदी उसका चार उसका आखिरी आयत दूसरा कुरिंदी उसका चार उसका आखिरी आयत और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती हैं जो हम जो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पा जो देखते हैं वो थोड़े समय के लिए है जो देखी हुई वस्तु थोड़ी की है पर अंधे की वस्तु है सदा बनी रहती है थोड़ी देर के लिए जो है उसके लिए भरोसा नहीं रखना अनंत वो अनंत समय के लिए जो है उसको बाट जोत रहना आनंद जीवन के लिए